Students, in this video we shall do the back exercise of chapter 6 of grammar and our topic is adjective. First A part dekhiye, complete the sentences with suitable adjectives of quantity from the box. We don't have enough time to complete the test. We must hungry students, there is already filled enough. हमारे पास पर्याप्त समय नहीं है अपने टेस्ट को कंप्लीट करने का. वी मस्ट हरी, हमें जल्दी करनी चाहिए, मतलब कि हमें थोड़ा स्पीड बढ़ानी चाहिए. नेक्स्ट, देयर वॉज नॉट अ डैश फ्रूट ऑन द ट्री, द बर्ड्स हैड ईटन देम ऑल. देखो यहाँ से पता लग रहा है कि बर्ड्स ने सारे फ्रूट्स को खा लिया है. तो देयर वॉज नॉट अ सिंगल फ्रूट ऑन द ट्री, मतलब कि पेड़ पर एक भी फ्रूट नहीं है. और ये हमें कैसे पता चला, द बर्ड्स हैड ईटन देम ऑल, बर्ड्स ने इन सब को खा लिया है. देयर वॉज नॉट अ सिंगल, सो वी विल राइट हियर सिंगल. नेक्स्ट, अ डैश स्टूडेंट केम टू स्कूल इन रेन, इन द रेन मोस्ट ऑफ देम वर एबसेंट. देखो यहाँ से मोस्ट ऑफ देम वर एबसेंट, मतलब काफ़ी सारे एबसेंट थे. अ डैश स्टूडेंट केम टू स्कूल, तो बहुत कम बच्चे. सो फॉर स्टूडेंट्स कौन सी नाउन है, काउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे हम आ फ्यू, मतलब जिन चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं उसमें फ्यू या आ फ्यू हम फिल करेंगे. आ फ्यू का मतलब बहुत कम, बिल्कुल ना के बराबर. नेक्स्ट, द नेस्ट वॉज डैश आफ्टर द बर्ड्स फ्लू अवे, दे नेवर केम बैक. वे मतलब कि देखो यहाँ से पता लग रहा है कि बिल्कुल भी वहाँ पे कोई बर्ड्स नहीं है. दे नेवर केम बैक, वो वापिस नहीं आए, मतलब कि जो बर्ड्स हैं वो सब फ्लू अवे, उड़ चुके हैं. द नेस्ट वॉज डैश, नेस्ट जो है बिल्कुल एम्प्टी यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें ऑप्शन में दिया है एम्प्टी. तो जो नेस्ट था वो बिल्कुल खाली था क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो उड़ चुके थे और वो वापस नहीं आए. सो वी शैल राइट हियर एम्प्टी. नेक्स्ट, डैश पीपल केम टू वॉच द फुटबॉल मैच, द स्टेडियम वॉज ऑलमोस्ट फुल. तो देखो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि स्टेडियम जो है ऑलमोस्ट फुल, बहुत भरा हुआ था, फुल था बिल्कुल, वहाँ पे कोई एम्प्टी स्पेस भी नहीं था. तो इसलिए यहाँ पे हम राइट करेंगे मैनी. मैनी का मतलब है बहुत ज़्यादा. तो मैनी पीपल केम टू वॉच द फुटबॉल मैच, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मैनी, एम ए एन वाई. आई डोंट थिंक आई कैन हैव द डेसर्ट, आई एम क्वाइट डैश. तो मैं नहीं सोच, आई डोंट थिंक, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डेसर्ट होता है खाना खाने के बाद कुछ मीठा लेना, तो मुझे कुछ मीठे की ज़रूरत है. आई एम क्वाइट, मैं बिल्कुल फुल हो चुका हूँ, मतलब कि मेरा पेट बिल्कुल भर गया है, इसीलिए मुझे जो है डेसर्ट की ज़रूरत नहीं है. आई एम क्वाइट फुल. डैश ऑफ माई बुक्स वर डैमेज्ड बाई टर्माइट्स, फ्यू वर सेव्ड. जो टर्माइट्स के द्वारा मेरी जो बुक्स हैं वो डैमेज की गई हैं, तो फ्यू वर सेव्ड, बिल्कुल कम ही बची हैं. तो यहाँ पे हम क्या राइट कर सकते हैं, मोस्ट, मोस्ट का मतलब काफ़ी सारी, बहुत ज़्यादा, मोस्ट ऑफ माई बुक्स. ही वॉज अ डैश स्केयर टू गो आउट द डार्क सिंस देर वॉज नो वन आउटसाइड. ही वॉज अ, तो हमें हमारा क्या बचता है, लिटल. ही वॉज अ लिटल स्केयर्ड, वो थोड़ा डरा हुआ था, अंधेरे में बाहर जाने में वो थोड़ा डरता था. सिंस देर वॉज नो वन, क्योंकि वहाँ बाहर वहाँ पे कोई नहीं था. तो ये आपको अपनी बुक में फिल करना है और नेक्स्ट बी पार्ट जो है वो आपको खुद करके देखना है.
थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.